बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम आपको इस्लामाबाद के 450 साल पुराने इंतहाई ख़ूबसूरत गांव की सैर करवाएंगे और यहां की तारीख व तमद्दुन से भी आगाह करेंगे। इस गांव के करीब पहुंचते ही पहाड़ियों की ओट से बिखरती सूरज की किरणें आपका इस्तकबाल करती हैं। ये बात हो रही है इस्लामाबाद के ख़ूबसूरत मॉडल विलेज सैदपुर गाँव की। सैदपुर मारगला की पहाड़ियों के दामन में वाक़े छोटा लेकिन बहुत ही खूबसूरत और दिलकश कुदरती मनाजिर से माला माल गाँव है। ये गाँव अपनी असली हालत में तो मौजूद नहीं, लेकिन फिर भी देखने से ताल्लुक़ रखता है। यहाँ सयाहों की सहूलत के लिए मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट बनाए गए हैं। यहाँ पर बनाए गए रेस्टोरेंट्स इंतहाई महंगे हैं, लेकिन शहरियों के पास इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं। हफ्ते और इतवार के रोज़ सयाहों की बड़ी तादाद यहाँ का रुख करती है। यहाँ के ख़ूबसूरत नज़ारे सयाहों की तवज्जो को अपनी जानिब खींच लेते हैं। सैदपुर गांव में 200 साल पुराना मंदिर भी मौजूद है। किसी ज़माने में इस मंदिर में 4 तालाब पाए जाते थे, जहां से गांव की फसलों को सैराब किया जाता था। इस मंदिर में स्कूल बनाया गया, लेकिन अब स्कूल को भी ख़त्म कर दिया गया। आजकल इस मंदिर को अजायब घर करार दिया गया है। इस मंदिर के करीब सिखों की इबादतगाह गुरुद्वारा भी मौजूद है और साथ साथ मस्जिद भी मौजूद है, जहां मुसलमान अपनी इबादत करते थे। खूबसूरत मस्जिद, हिंदू बिरादरी का तारीखी मंदिर और सिखों का गुरुद्वारा, एक ही जगह मस्जिद, मंदिर और गुरुद्वारा, इस बात का सबूत है कि यहाँ के रहने वाले मज़हबी रवादारी और अमन पसंद थे। यहाँ के खूबसूरत नज़ारे दिल मोह लेते हैं। नाम तारिक है, मैं बेसिकली पेशावर से आया हूँ। ये जगह मुझे दोस्तों ने बताया था इसके बारे में, तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे मस्जिद है, मंदिर है और ये के पहाड़ों के बीच में ये वाक़े हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है। दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे रेस्टोरेंट है और बस आपके सामने एंजॉय कर रहे हैं। सैदपुर गांव में रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 4000 के करीब है। वफाकी दारुल हुकूमत के बिल्कुल करीब होते हुए भी यहाँ का माहौल बिल्कुल गांव जैसा है। इस इलाके में रेस्टोरेंट की तादाद ज़्यादा होने के बाइस यहाँ पर गंदगी के ढेर भी नज़र आते हैं। सफाई के मुनासिब इंतजामात ना होने की वजह से यहाँ की खूबसूरती गहना रही है। यहाँ सफाई ना होने की वजह से सयाहों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ सदियों पुराना बरगद का दरख्त अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिलाता है। सैदपुर गांव में जगह जगह खूबसूरत ज्वेलरी के स्टॉल्स भी लगे हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी के स्टॉल्स पर शहरियों की बड़ी तादाद आकर यहां से ख़रीदारी करती है, जिससे मकामी अफराद का रोज़गार भी चलता है। यहां आने वाले सयाह बंदरों से भी मानूस नज़र आते हैं। इस खूबसूरत गांव से वापस जाते हुए भी खूबसूरत नज़ारे आपको अलविदा कहते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।